जो आपके स्त्री नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान वो खूबसूरत अदाकारा है, इतनी ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस है ना, जिनके हर अदा के आप दीवाने हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्वागत अदा शर्मा का पंजाब के स्त्री नवोदय टाइम्स पर। कैसे हैं आप अदा? बढ़िया हो। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो द केरला स्टोरी की सक्सेस के लिए। इतना सारा प्यार मिला, बहुत सारा होता है आपको बहुत। पर्सनली सारा प्यार मिला ना? आई थिंक मेजर ही नहीं कर सकते उतना प्यार मिला, और मेजर करना भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक लोगों का प्यार मेजर नहीं किया जा सकता है। अनकंडीशनल होता है, और जिन जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, कहाँ कहाँ से लोगों ने हमारी फिल्म देखी। अब जो हम नई फिल्म शूट कर रहे हैं, एकदम इंटीरियर के गांव में शूट कर रहे हैं, और वहां के भी लोगों ने मुझे आके कहा है कि केरला स्टोरी देखी है और ये सीन अच्छा लगा। और तो आई थिंक वो आप जब आप फिल्म बनाते हो तो यू डोंट नो कि कहाँ कहाँ तक आप पहुंचा सकते हो। आप ट्राई करते हो कि ऐसी फिल्म बनाए जो पहुंचे, पर आई थिंक हम लोग ने परमानेंट स्पेस लिया है अभी सबके दिलों में, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने तो खुद, हमने मतलब वीडियोस देखी थी, खुद थिएटर विजिट किया ना, जब लोगों के बीच जी गए आप, तो तब भी आपको वहां पे पर्सनली इतना प्यार मिला था ना, जो स्पेशली जो थोड़े बुजुर्ग लोग आए थे उन्होंने आपका मतलब बहुत ही प्यार से बच्चों एब्सोल्युटली। को मतलब हाँ बहुत। हाँ यू नो आई थिंक जितना भी आप कोई फिल्म का पीआर आप कर लो या जो भी करो, पर जो हम लोगों को केरला स्टोरी से मिला बिना कुछ किए, आई थिंक उससे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है एक आर्टिस्ट को या एक जो भी इन्वॉल्व है फिल्म में। तो हम लोग थिएटर गए थे, मैं अपनी मॉम के साथ गई थी, और वी एक्चुअली डिड अ सरप्राइज, लाइक बिना किसी को बताए हम लोग एक कैमरा के साथ गए थे इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल मीडिया। आई थॉट वो बहुत ज्यादा ये होगा, और फिर लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जो लोग आए हैं देखने। तो मैं खड़ी थी वहां पे, तो पहले जो 3 4 लोग आए वो ऐसे लाइक आए थे, बिकॉज एक केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है दैट यू फील कि आप पर्सनली आपने भी सर्वाइव किया है, और आप वो शालिनी के साथ आप अफगानिस्तान गए हो और वापस आए हो तो थक जाते हो एंड तक। तो लोग ऐसे आ रहे थे थिएटर से बाहर एंड देन दे रियलाइज माय गॉड ये अदा है। तो एक आंटी आई एंड इट वाज सो स्वीट। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट यू वांट कि आप कुछ दिलों को छुए आपके परफॉर्मेंस से। तो शी केम टू मी, शी टच माई हैंड, इतने सारे ब्लेसिंग्स, एंड शी टोल्ड मी, शी सर तुम्हारी आंखों में इतना जो सैडनेस है, आई स्टिल रिमेम्बर हर लाइन, शी सर इतना सैडनेस है। तो हम सब रो रहे थे आपको देख के, क्योंकि आपकी आंखों में देयर इज सो मच पेन, एंड आई रियली थॉट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एवर। अच्छा, आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है ना, तो हमने आपने खुद शेयर किया था ना अपना ऑडिशन भी था जो केरला स्टोरी का, है ना, जी जी तो वो बहुत जी अच्छा था, बहुत ही ज्यादा मतलब वो भोली सी प्यारी सी लड़की ऑडिशन देती है, तो कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस हाँ कैसा था ऑडिशन से लेकर बाद में वाला भी? आई थॉट ऑडिशन शेयर करना चाहिए था, बिकॉज इतने सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, इतने सारे लोग जो इंडस्ट्री से नहीं है वो भी सोचते हैं कि मैं कैसे बनूं। तो शायद किसी और का अगर आप प्रोसेस देखे, या कुछ लोगों को लगता है अरे इसको ऐसे ही मिल गया, बट फिर आप देखते हो कि अरे नहीं इसने भी इतनी ये की है। मैं देखती हूँ तो इफ आई नो समवन्स जर्नी एंड आई से अरे तो इफ शी मेड इट तो मेरे लिए भी चांस है, तो मेरे लिए भी होप है अगर ये लड़की आई है बिना कोई कनेक्शन के, किसी को जानती नहीं और उसे मौका मिला तो मुझे भी मिल सकता है, शायद चांस है। तो आई पुट दैट आउट बिल्कुल बिकॉज आई थॉट फिर लोग देखेंगे, और जो हजारों लोग आते हैं मुंबई की शहर में ऑडिशंस देने के लिए, और मैंने कितने ऑडिशंस दिए हैं, रिजेक्ट हुई हूँ, तो शायद किसी और का ऑडिशन देख के थोड़ा हौसला बढ़ जाता है कि इसे मिला। एंड वो थोड़ा मुश्किल ऑडिशन था क्योंकि मलयालम मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली। हम लोग कन्वर्स नहीं करते, मैं तमिल में बात करती हूँ, पर अलग है, इट्स लाइक सेइंग हिंदी और मराठी का जो फर्क है। तो मलयालम में आई रिमेम्बर वो सीन एंड मुझे तभी दिया गया था, सो आई कॉल माई मॉम अप एंड आई सेड कि ये सीन है, एंड आई मेड हर से इट ताकि मैं एक्सेंट करूँ। एंड सुदीप्तो सर ने मुझे कहा, ही सेड कि ऑडिशन के बाद मैं ये ऑडिशन भेजने वाला हूँ केरला में और वो लोग देखने वाले हैं। सो आई वॉज लाइक वाह, नो प्रेशर, ओ माई गॉड, बिकॉज आई सेड वो एक्सेंट पकड़ने वाले हैं, और एक्सेंट के साथ एक्टिंग भी थी, एंड एक ऐसे सीन नहीं था जहाँ पे स्लोली आप बात कर रहे हो, आप एकदम डेस्परेशन में कह रहे हो क्योंकि 1 मिनट का टाइम है, यू हैव टू फिनिश दैट कॉल फास्ट बिकॉज कॉल ट्रेस कर सकते हैं लोग। तो पर मजा आया, आई थिंक एज एन एक्टर कितना फुलफिलिंग है कि आप
ऑडिशन से लेके अब तक आपने वो जर्नी, यू नो, फील्स नाइस. बिल्कुल, ये तो है ही, और आपके चेहरे पर भी दिख रही है। लेकिन जब ये आपको स्टोरी बताई गई थी केरला स्टोरी की, तो बहुत एक डिफरेंट सी स्टोरी है। जब ट्रेलर भी देखा था तो ऑडियंस ने तो उसको भी पूरा प्यार दिया था ना, देख के सब ऐसे, मतलब ऐसे नहीं हो जाता कि क्या सच में ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता था ट्रेलर देख के भी ऐसा लगा था हमें। तो हाँ मूवी तो उसमें बहुत ही अलग है। जब आपको स्टोरी नरेट की गई थी तो आपका मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? मैंने एक्चुअली एक सिनॉप्सिस, एक 20 पेजर पढ़ा था पहले, तो मैं पढ़ हाँ रही थी एंड आई वाज लाइक माय गॉड. एंड आजकल हम सब हाँ के पास फोन्स है, इंटरनेट है, तो मैंने भी गूगल करके चेक किया एंड आपके फैक्ट्स आते. मैंने एक सीरीज भी देखी थी कैलिफेट. एंड अब्रॉड जब अच्छा भी ऐसी फिल्म्स बनती है जो लड़कियां ट्रैप होकर आइसिस जाती है, इट्स नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम, इट हैपेंस अब्रॉड ऑल्सो. यूरोप में बहुत सारी लड़कियां ऐसे ट्रैप हुई है. एंड कैलिफेट एक ऐसी सीरीज है जो यू यू सी ऑल दिस हैपनिंग ओनली. ये लड़कियां ट्रैप होती है कॉलेज से एंड उन्हें लेके जा लेके वो लोग लेके जाते हैं अफगानिस्तान में. एक लड़की टेररिस्ट बनती है, एक लड़की सुसाइड बॉम्बर बनती है, एक से शादी हो गई है उसकी वहां के एक टेररिस्ट के साथ. सो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी. सो आई थॉट इट्स सो कूल एंड आई सेड इंटरनेशनली अगर लोग भी इतना बात कर रहे हैं इसके बारे में, इंडिया में क्यों नहीं बना रहे हम लोग ऐसी फिल्में, लाइक क्यों नहीं जागरूक कर रहे लोगों को. सो आई थॉट आई वाज वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट. एज एन एक्टर ऑल्सो एक ड्रीम रोल है. आप स्टार्ट कर रहे हो कॉलेज डेज से लेके जब आप एक डॉटर हो और आप फिर एक आपने एक शी सो यंग बट नाउ शी हैज दिस चाइल्ड, शी डजंट इवन नो कि वो अपनी बेबी को कैसे लुक आफ्टर करेगी. उसके यू नो घर में खाना नहीं है, पैसे नहीं है एंड शी सच अ यंग गर्ल नाउ हु हैज अ चाइल्ड. एंड उसकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है इतनी इनोसेंट है, नाइव है. तो इट्स इट फेल्ट लाइक या ड्रीम रोल कोई भी एक्टर के लिए, बट आई एम लकी टू गेट टू डू इट. बिल्कुल, देखो अदा की, अगर हम अदाकारी की बात करें तो जब वो 15 साल की लड़की आई थी ना बॉलीवुड पे, जब बॉलीवुड डेब्यू किया था 1920 में, तो जितनी भी, वैसे मैं अपने पर्सनल बताती हूँ ना, जितनी भी मैंने आज तक हॉरर मूवीज देखी है ना, वो अदा वाली जो 1920 है ना, उसको कोई बीट नहीं कर पाया सच That's में। very मतलब कोई मूवी नहीं बनी थी 1920 जब आपने की थी, तो आई थिंक आप 15 16 साल की थी ना, तब बहुत छोटे थे तब आप, है ना। हाँ हाँ तो और मुझे लेकिन कुछ आइडिया नहीं था. लेकिन वो मतलब इतनी ज्यादा हॉरर मूवी थी, तो बच्चे तो डर ही जाते हैं, तो आपने कैसे उसको करने को हाँ बोला? मैं एक्चुअली खुश हो गई थी. आई नो विक्रम सर ने भी मुझे कहा कि उन्होंने जब भी दूसरे लड़कियों से उन्होंने बात की, दे सेड माय गॉड लाइक ये. एंड पूरा सेकंड हाफ मतलब आपको वो मेकअप और हेयर के साथ घूमना है फिल्म में. मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज आई सेड खूबसूरत तो हम लोग कभी भी लग सकते हैं, पर ऐसा किरदार और पहली फिल्म आपको ऐसा किरदार मिल रहा है, आई वॉज वेरी हैप्पी. बट ऑल्सो कि मैंने नहीं डिसाइड किया कि मैं कर रही हूँ, मैंने ऑडिशन किया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया. मेरी उतनी लिबर्टी नहीं थी कि मैं ये फिल्म से मैं डेब्यू करूंगी इसमें, तो मैंने ऑडिशन किया. एक्चुअली उनको लगा कि मेरी लुक सही नहीं थी, बट वो ओपन थे, उनको फॉरेनर लड़की चाहिए थी बेसिकली. एंड तो मैं फॉरेनर नहीं लग रही थी, पर वो लेंसेज लगा के, वो ये लगा के, फिर वो वैसा मेकअप करके और वो कॉस्ट्यूम करके, देन दे थॉट आई वाज परफेक्ट. एंड मैंने ऑडिशन किया था वो पोजेस्ट सीन का, जहाँ पे मैं पहले वो भूत मेरे अंदर जब है वो आत्मा, तो मैं बचा लो अपनी लीजा को, वो वाला सीन, बचा लो अपनी लीजा को वो वाला. और फिर मैं स्लाइस कर रही हूँ अपने रिस्ट, आई एम सेइंग अर्जुन मुझे बचा लो, तो वो वाला सीन. तो उनको एक्टिंग अच्छी लगी एंड आई गेस डेस्टिन थी मैं वो फिल्म के लिए. इट्स ऑल्सो गुड कि मुझे कुछ पता नहीं था तब, लाइक कोई भी चीज नहीं पता थी. क्लाइम दैट 40 फुट पिलर, उसके ऊपर चढ़ना है, यस वहां से कूदना है, यस एवरीथिंग वाज. तो वो एंथुजियाज्म अच्छा था कि पहली फिल्म थी या कुछ आइडिया नहीं था और ये फिल्म थी, तो मैं बहुत फ्री थी. ऑल्सो मुझे कुछ आई डेंट नो एंगल्स, फेस एंगल्स, मेकअप, आई डेंट, मुझे कोई आइडिया नहीं था किसी चीज का, तो और भी मजा है. वैसे तो अदा ने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन जो मतलब मैं अपनी पर्सनल वाली बताऊँ ना, कुछ 1920 हो गई, केरला स्टोरी हो गई, कमांडो हो गई, ये ना थोड़ी हटके से मूवी थी, मतलब के बहुत ही डिफरेंट से, और तीनों में ही करेक्टर था जो अदा का, वो बहुत ही आपका अलग अलग था ना। तो मतलब
कैसा एक्सपीरियंस रहा तीनों का अलग अलग, सबसे बेस्ट कौन सा लगता है बाकी सबने सबसे चुना? बेस्ट तो मैं चूज नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली, बट पहली फिल्म ऑब्वियसली स्पेशल रहती है बिकॉज पहली है। केरला स्टोरी ऑब्वियसली स्पेशल है क्योंकि केरला स्टोरी के थ्रू मैं कितने सारे और लोग मुझे जानने लगे और मेरी बाकी की फिल्में देखने लगे जो शायद उन्होंने पहला नहीं देखा। मेरे बहुत सारे जो म्यूजिक वीडियोस भी और पॉपुलराइज हो गए केरला स्टोरी के बाद, बिकॉज जब भी कोई लाइमलाइट में आता है तो उसके प्रीवियस वर्क मेरी तेलुगु मूवीज के डब्ड वर्जन भी लोग देखने लगे और ज्यादा सब स्पेशल थे। बट आईव नोटिस कि ऑडियंस को जब मैं कुछ अलग करती हूँ उनको ज्यादा पसंद आता है, जबकि मैं कोई रेगुलर कैरेक्टर अगर निभाऊं तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है बट अदा कर रही है तो क्या कर क्या क्या है इसमें अलग, क्या नया है। तो अभी कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं जो भी करूँ आगे भी कुछ ऐसे करूँ कि यू फील लाइक ओ वाओ। एंड आई थिंक अभी मैं वो स्पेस में हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे मिल रहे हैं ऐसी चीजें, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो, आई डोंट नो इंडस्ट्री से हो तो क्या है, बट इंडस्ट्री से नहीं हो तो यू हैव अ लिमिटेड चॉइस। तो ये तीनों में से आप एक चीज चुनो या कुछ मत करके आप घर पे बैठो। तो कभी कभी मैंने चुना कि मैं नहीं करूँ और मैं घर पे बैठूँ, पर कभी कभी लगता है कि अरे दिस इज ओके, दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज वेरी वेरी बैड, तो मैं ओके वाला कर लेती हूँ। तो वैसे भी मैंने फिल्में की है एंड ऑफकोर्स कभी कभी यू आर वेरी लकी, लाइक फर्स्ट फिल्म 1920 मिलना, दैट्स वाओ। कमांडो में वो भावना रेड्डी का कैरेक्टर वाओ था, इट्स सो कूल कि एक्शन करने का मौका मिल रहा है, कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है। एक्शन मूवी में आप वो डैमजल इन डिस्ट्रेस नहीं बने हो, आप खुद की फाइटिंग कर रहे हो, आपको इक्वल साइज के लड़के मिल रहे हैं मारने के लिए, ना कि सिर्फ हीरो के लिए वो लड़के हैं और आपके लिए कोई और। तो वो अच्छा लगा कि दैट फेल वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स केरला स्टोरी तो एक ड्रीम रोल है। सॉरी वो देखने में भी अच्छा लगता है कि मतलब वैसा ही एक्शन, एक हाँ ऐसी एक्ट्रेस कर रही है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। हाँ इट्स वेरी एंजॉयबल आई थिंक सो। अभी जो मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी फेब में है कुछ बहुत बहुत स्पेशल, एंड आई थिंक अच्छा, एक केरला स्टोरी के बाद लोगों को काफी एक्साइटमेंट होगी, बिकॉज मैं एक फिक्शनल चीज कर रही हूँ एंड किरदार एकदम ही अलग है केरला स्टोरी से, तो आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। बट आई थिंक अदा से भी वो बहुत अलग है एंड केरला स्टोरी की शालिनी से भी अलग है। एंड हाँ भावना रेड्डी और सबसे अलग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन एंड आई कांट कंपेयर कि किसी और ने किया है वो कैरेक्टर जैसे, किसी ने नहीं किया ऐसे। तो आई थिंक मजा आने वाला है लोगों को, आई होप मजा आए। बिल्कुल मजा आएगा। ये अदा जैसे आपने किया ना कि वो अदा से भी अलग है ना, जो आपका नई मूवी आने वाली है, नया जो भी प्रोजेक्ट है। आज तक जितनी भी आपने फिल्में की हैं उसमें कभी आपको लगा है कि कोई करेक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी से बहुत मैच करता है? कोई करेक्टर मैच किया या सारे टोटली डिफरेंट रहे हैं? सी 1920 में लेट्स ऑल होप कि नहीं मैच करे क्योंकि अगर हाँ मैच करे तो मुझे भी डर है। केरला हाँ स्टोरी की नसीब, वो जो शालिनी की नसीब है, आई होप किसी की वो नसीब नहीं हो तो नहीं। हाँ वो शालिनी का कैरेक्टर मे भी थोड़ा मेरे जैसे था, पर वो बहुत ही इनोसेंट और नाइव थी। मैं नहीं हूं, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, तो जब आप एकदम छोटे विलेज में आप बॉर्न एंड ब्रॉटअप हो एकदम, बट आई फेल्ट वन कि वो जो अपने क्लोजनेस अपने मॉम और अपने ग्रैनी से जो था, शायद मेरा वो है रियल लाइफ में भी, तो वो, बट आई डोंट नो वो सिचुएशन में मैं वो फाइट कर पाती या मैं गिव अप करती, सो आई डोंट। भावना रेड्डी एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है तो बहुत ही एस्पिरेशनल है, मैं वैसे बनना चाहती हूँ। जो भावना रेड्डी का देश के प्रति प्रेम है तो वो मेरा है, आई एम वेरी पेट्रियोटिक, आई लव माई कंट्री, तो वो वाला आई आइडेंटिफाई। बट अगर एकदम आइडेंटिफाई तो मैंने एक वेब सीरीज की थी द हॉलिडे, आई डोंट नो अगर आपने देखी है कि नहीं, तो वो कैरेक्टर मेरे से एक्चुअली ऑलमोस्ट मैं बहुत ही अच्छा। हूँ उसमें, वेरी सिमिलर बात करने का तरीका और अपने फ्रेंड्स के साथ। एक इट्स अ वेब सीरीज अबाउट एक लड़की जो अपने बैचलरेट पे जाती है चार लड़कों के साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं, देयर इज नो रोमांटिक थिंग विद देम, दे आर फ्रेंड्स एंड आई हैव गाय फ्रेंड्स हु आई एम क्लोज टू, वेयर देयर इज नो रोमांटिक थिंग, इट्स जस्ट अ फन शो। तो वो बहुत ही क्लोज था, आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट। बाकी या आई हैव डन थिंग्स दैट आर नॉट, मैंने चूहा पिल्ली एक शॉर्ट फिल्म किया जहाँ पे बहुत ही स्कैरी कैरेक्टर है, तो नो आई हैव नॉट रियली। अच्छा, चूहा बिल्ली से तो मुझे याद आया,
कोई लोग होते हैं डॉग लवर होते हैं, कैट लवर होते हैं, तो आप तो फ्रॉग लवर लवर भी हो, आप तो बेसिकली एनिमल लवर हो। आपकी इतनी वीडियोस देखी है ना हमने, मतलब एक जो फ्रॉग वाली थी वो तो बहुत ही क्यूट सी वीडियो थी, बेचारा सैमा घर में बैठा हुआ। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ जानवरों को। हाँ मैं क्रोकोडाइल को उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं एलिफेंट्स को प्यार करती हूँ, जितना मैं हर जानवर को उतना ही प्यार करती हूँ। तो नो, आई डोंट लाइक टू डिस्क्रिमिनेट। तो हाँ, फ्रॉग्स भी। हाँ, अगर फ्रॉग दिखा तो फ्रॉग सब। सबसे प्यारा कौन है? सारे नहीं, एनिमल्स मैं चूज नहीं कर सकती हूँ, इंसानों को छोड़ के सब। अच्छा, आपका तो आजकल म्यूजिक में इंटरेस्ट भी काफी देखते हैं हम सोशल मीडिया पर, है ना? रैप वैप भी चल हाँ, रहा है। वो आई थॉट फन होगा। मैंने एनीवे ड्रेसअप किया था भरतनाट्यम, इसमें आई लेकिन पुट दैट बहुत वीडियो अच्छा लेटर। लगा। वो एक्चुअल वीडियो मैंने नहीं शेयर किया है अभी तक सोशल मीडिया पे, जो एक्चुअल वाला, क्योंकि मैं ड्रेस, मैंने भरतनाट्यम ड्रेसअप किया था एंड परफॉर्मेंस था, बट हम लोग रूम में थे एंड मैं ये सब करती रहती हूँ एनीवे। आई जस्ट थॉट फन, आई विल रिकॉर्ड इट। So then I put the phone and I recorded it. तो बहुत अच्छा हाँ, थैंक चीजें देते हैं। यू, थैंक यू, दैट्स, थैंक यू। एंड म्यूजिक इज ऑलवेज बीन अ अच्छा, पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो आई लाइक टू शेयर स्टफ समटाइम्स विद पीपल। अच्छी बात है, हमें देखने को भी अच्छा लगता है जब फोन को देखते हैं और अदा दिख जाती है कुछ करती हुई, कभी एनिमल के साथ कभी म्यूजिक करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है देखने के। हाँ चलो, कुछ अच्छा देखने को मिला। वैसे सोशल मीडिया पे इतना कुछ होता है। खैर, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपने बता दिया था कि आपका आने वाला है, उसके बाद 2024 में क्या कुछ आने वाला है, सरप्राइज क्या मिलने वाला है फैंस को? तो ये फेब में है, जो मैंने हाँ बताया है अभी, एक बहुत कूल चीज है। एंड बस्तर को अनाउंस किया है, तो बस्तर विल आल्सो बी एन, जो केरला स्टोरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना रहे हैं, तो वो होगा आई थिंक अप्रैल या मई, ऐसे कुछ मिड ईयर, सेम एज केरला स्टोरी, मिड ईयर। एंड दो और प्रोजेक्ट्स है जो रेडी है, जो मैंने एक्चुअली केरला स्टोरी के पहले शूट किया था, तो वो भी रिलीज होंगे। एंड जो मैं अभी कर रही हूँ ऑल्सो, लाइक आई सेड, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो नॉर्मल चीजें नहीं करूँ जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल हो। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। मेरा मेन फोकस है कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट्स करूँ और ऐसे किरदार करूँ जो लोगों को भी मजा आए और मुझे भी मजा आए करने में। आई लाइक जो कुछ हटके, जो कुछ क्वर्क्स कैरेक्टर में है, तो मुझे भी करने में मजा। तो आई होप लोग मुझे ऐसे ही चीजें ऑफर करें। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ करते रहें और हम आपको देखते रहें, और नए नए प्रोजेक्ट के साथ हम आपके इंटरव्यू थैंक भी करते रहें। तो ऑल द वेरी यू बेस्ट सो एंड थैंक यू सो मच मच, अदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।